नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। जल जमाव व गंदगी के बीच डेंगू ने पसाड़े पांव, कागजों तक सिमटी डेंगू की तैयारी। तीघरा के नगर परिषद क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव व नगर परिषद के कई क्षेत्र में जमे कचरा के अंबार के बीच डेंगू ने भी तो तेजी से अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। प्रतिदिन डेंगू मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तीघरा अस्पताल में प्रतिदिन डेंगू मरीज 2-3 की संख्या में आ रहे हैं। तीघरा अस्पताल के एक कर्मी भी डेंगू रोग की चपेट में आ गए हैं। डेंगू के बढ़ते प्रभाव के बावजूद भी डेंगू की रोकथाम को लेकर न तो प्रशासनिक स्तर पर और न ही नगर परिषद व स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक कोई कारगर प्रयास किए गए हैं, जबकि 2015 से लगातार हर वर्ष डेंगू का प्रकोप क्षेत्र में रहा है और कई लोग मौत गाल में समा चुके हैं। पिछले वर्ष भी पूरे क्षेत्र में डेंगू से प्रभावित होने के बावजूद भी बिहार कोई विभाग कोई सबक नहीं लिया। हर साल हो रहे डेंगू के प्रभाव के बावजूद पीएससी और एसएससी अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो दवा का छिड़काव किया जा रहा है और ना ही लोगों को बीमारी से बचाव के लिए कोई योजना तैयार की गई है। हालांकि अनुमंडलीय अस्पताल के अधिकारी डेंगू के निपटने की दवा कर रहे हैं। हथिया नक्षत्र के मामूली सी बारिश ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के खाली पड़े प्लॉट व गड्ढों एवं कई क्षेत्र लबालब होकर हो गया है। वही जल निकासी का कोई प्रबंधन नहीं होने से नल जल योजना के अलावे अन्य टूटी बड़ी नालियों व गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है। इतना ही नहीं, नगर के गंदे कचरे को NH-28 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इस कदर अंबार लगा दिया है जो मच्छरों की ढेर एवं पूरे स्वस्थ पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रही है। ऐसे में बच्चों से लेकर बड़ों पर असंख्य खतरा विराजमान हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान सभी उम्मीदवारों द्वारा तीघरा को स्वच्छ, सुंदर और आदर्श नगर परिषद बनाने की थोथी दबा लोगों ने की जा रही थी। चुनाव पर विराम लगते ही सभी के जोश और होश ठंडे पड़ गए। तीघरा नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में जल जमाव व गंदगी मच्छर के अंबार से कोई बड़ी महामारी का रूप न लेने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को छिड़काव की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही अनुमंडलीय अस्पताल में अन्य जांच उपस्तर के साथ ही वार्ड में मच्छरदानी, रक्त की जांच में प्लेटलेट की जांच तथा समुचित उपचार किट के अलावे हर विशेषज्ञ MBBS डॉक्टरों की 24 घंटे तैनाती आवश्यक है। बरसात के मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां विकराल हारना कर ले। तीघरा क्षेत्र के सैकड़ों लोग विभिन्न निजी अस्पतालों में अपना महंगा इलाज कराने को विवश है, जहां प्राइवेट नर्सिंग होम में मरीजों को प्लेटलेट की जांच एवं इससे चढ़ाने के साथ ही अन्य चाल गई बड़ी राशि की लूट की जा रही है। अभी तक तीघरा क्षेत्र में फांगिन मशीन की व्यवस्था नहीं की गई है, जो पदाधिकारियों की उदासीनता का परिणाम है। आने वाले समय में यह एक बड़ी महामारी का रूप न लेने जो चिंतनीय है। तीघरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। कितना दिन से बुखार है? 7 दिन। हाँ, 7 दिन से दवा खा रहे थे। और कोई परेशानी? हाँ, दर्द है, सिर में दर्द भी है। और बुखार? बुखार यहाँ हॉस्पिटल में कब आए हैं? आज ही आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत। पिताजी का नाम? घर कहाँ पड़ता? गाछी टोला संपुर।